तो कैसे हो गाइस आप सब लोग, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हो गेमिंग विद अंकित यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस आज हम खेलने वाले बुल के साथ हाइस्ट में। मैंने अभी तक स्टार टोकन भी नहीं लिया है, अभी ये इवेंट आया है और मैं अभी तुरंत रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। तो बिलीव कीजिए गाइस, बुल बहुत बढ़िया है हाइस्ट में। सिर्फ आपको करना ही है, आपको सुसाइड नहीं करना है। मतलब जाएंगे एकदम रश करेंगे, मरे तो मरे है, हमको तो क्या डैमेज करने से मतलब नहीं, ये नहीं करना है गाइस आपको। आपको सिर्फ जो है जाना है, एनिमी जो है उनको अटैक करते करते खुद उनके शॉट से बचते बचते आपको डैमेज करना है हाइस्ट को। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करोगे तो आप पक्का हाइस्ट में जीतोगे बुल के साथ। हमारे पास ये स्किन है, क्या है नाम स्किन का, मैं भूल गया, सॉरी गाइस, लाइन बेकर बुल, हाँ मेरे को याद था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉट पटेटो मैप है जो कि आज पावर प्ले में भी था। और ये स्टार्ट हो गया है मैच, उनके पास भी एक बुल है, देखते अब क्या होता है। एएफके सिटी पे नहीं फर्स्ट, ओ ओ तो मैं पीछे रहूँगा ज़रा, मेरे को भी इधर डिफेंड करना पड़ेगा पहले थोड़ा। ओ नो पेनी, कुछ तो करो पेनी, क्या कर रही है क्या मतलब, पेनी कुछ नहीं कर पा रही है गाइस। और ये बहुत बढ़िया, हमने उसको किल कर दिया। ये उनके बुल ने रश किया लेकिन मैंने उनके बुल को डेड कर दिया है। तो अब मैं एक सेकेंड रुकूंगा और सीधा उनके हाइस के ऊपर रश करूंगा। देखिए गाइस आपको यही गलती करनी नहीं है, मैंने कर दी, कोई बात नहीं। उनके पुल ने रश कर दिया है लेकिन मैं टैंक करूंगा अपने सेफ को। मैं रुकूंगा ज़रा हेल्थ आने पे, मैं रश कर दूंगा उनके इधर सीधा। बहुत बढ़िया, वो ध्यान उनका भटक गया था, मैंने किया डैमेज। हम ऑलमोस्ट उनका भी सेफ हमारे जितने ला चुके हैं। उनका 55 है, हमारा 52 है। बस ये बुल को हमने ज़्यादा डैमेज करने नहीं दिया, फिर भी बहुत डैमेज किया बंदे ने वैसे तो। इसकी हम टरेट को उड़ाएंगे पहले, मुझे बस वो भी डेड। अब हम थोड़ा हेल्थ आने का इंतज़ार कर रहे हैं गाइस। बेसिकली इस बुल के पास तो अपना सुपर है नहीं, तो ये तो अपने इससे रश नहीं करेगा, मैं कर दे रहा हूँ। ओ गाइस मेरे को मालूम ही नहीं था डैरियल डेड है, मैं रश ही नहीं करता था गाइस, मेरे को लगा कि डैरियल डेड नहीं है। ओ डैरियल क्या संभाल पाएगा गाइस, ये नहीं, उसने नहीं संभाला था, मेरे को आना पड़ा इधर। और ये पेनी, पेनी क्या कर रही है क्या पता, पेनी तो सीधा एग्रो बन रही है। और ये उनका बुल आया, मैं डेड हो चुका हूँ गाइस, ये मैच हम हार जाएंगे। ये पेनी क्या कर रही है नूब। अब हमको जल्दी से जल्दी उनके ऊपर चार्ज करके जल्द से जल्द, ये गलती नहीं करनी है गाइस आपको, मैं बार बार वही गलती कर रहा हूँ, सॉरी आपसे नहीं होगा। ओ हमने डिफेंड कर लिया था गाइस, बस मैं छाल सकते लेकिन कोई बात नहीं, मेरी गलती की वजह से। और ये पे नहीं क्या कर रही थी पता नहीं। तो गाइस मैं जल्द ही अपने चैनल पे ब्रॉल स्टार्स के कुछ चैलेंजेस वीडियो डालने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैच स्टार्ट हो गया है, 8-bit एंड फोल्ट, उनके पास है काल, 8-bit और डायनामाइट, तो हम इधर से आएंगे। ओ गाइस मैं तो ऐसे ही डेड हो गया। ये हमारा कोल्ट क्या कर रहा है, वी हैव मतलब आई हैव नो आइडिया। ओ नो गाइस ये कोल्ड बहुत टेढ़े चाले कर रहा है गाइस, सॉरी हम ये भी मैच हार जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट कोल्ड। तो अब मैं डिफेंडिंग छोड़ के सीधा एग्रो हो रहा हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था। ये 8-bit ने भी अपना टरेट किधर डाला है, इन्होंने बहुत महान है भाई। ये बस हम डॉच करके मारने का ट्राई कर रहे थे, मैच खत्म बेसिकली इस कोल्ड की वजह से। कोल्ड ने बहुत नूब चाले किए गाइस, ऐसे नूब खेलते ही क्यों है गेम मालूम नहीं, निकल जाना चाहिए ब्रॉल स्टार्स से हमेशा। दो मैच हार चुके हैं, टेंशन मतलब हम जीतेंगे, अभी ट्राई करेंगे फिर से। एक 8-bit और एक पेनी है, पेनी के पास स्टार पावर है, देखते हैं बॉल्स ऑफ फायर है या लास्ट लास्ट।
वैसे अपने गैजेट्स का भी गेम प्ले करूँगा गाइस। मेरे पास वैसे भी इसका गैजेट है, क्या बोलते हो, मेरे पास सैंडी और पेनी का गैजेट है, तो देखते हैं कब करता हूँ, लेकिन करूँगा। उसके लिए भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, जल्द कर दूँगा गाइस मैं वो भी। मेरा पहला गैजेट था पेनी का और दूसरा मेरे को मिला है सैंडी का। ओ गाइस, ये शूट करती ही मालूम नहीं क्या पनौती लग गई है गाइस। और ये बस मैं एग्रो हुआ, लेकिन इस बार एग्रो होने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये पेनी अच्छे से अपना यूज़ नहीं कर रही है बॉल्स ऑफ फायर से। पेनी के पास जब उन लोग उधर रहते हैं, तब ये पेनी ने अपने पियर्सिंग डैमेज की मदद से कितना डैमेज कर सकती है ये पेनी, लेकिन ये पेनी कुछ भी नहीं कर रही है। ओ नो गाइस, हमारा एडबिट किधर है? ओ ओ ओ, थैंक गॉड हमारा एडबिट उधर है। तो अब शायद से ये लास्ट रश होगा, देखते हैं। लेट्स सी, मैं पहले ही डैमेज ले चुका हूँ तो मैं नहीं सर्वाइव करने वाला था। फिर भी उनका बहुत नीचे आ गया गाइस, उनका सेफ बहुत लो है। अभी हमें ये पॉसिबल करना होगा, लेट्स डू इट गाइस, ये लास्ट रश होगा। ओ नो गाइस, हम भी नहीं कर पाए हैं, एट बिट भी नहीं, और पेनी भी करने में नाकाम हो गई है। अब हमें इस जैकी को कनेक्ट नहीं होने देना है, इस टिक को मेरे पास ही आना था। और ये गाइस एट बिट नहीं कर दिया काम, क्या एट बिट करेगा मालूम नहीं गाइस, एट बिट कर रहा है कि नहीं। Will 8-bit do this work? No guys. Oh, पेनी ने खत्म कर दिया गाइस ये मैच। 8-bit को साथ प्लेयर मिलना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज किया है इसको। तो हम प्लेयर गेम कर लेंगे, काश 8-bit खेले फिर से, नहीं खेलेगा ऑब्वियसली, नहीं खेलेगा। एक और मैच स्टार्ट हो चुका है, और ये हमारे पास है कोल्ट जेसी, जेसी का स्टार पावर। लेट्स सी विच स्टार पावर शी हैविंग। मैं फिर से डेड हो चुका हूँ। ओ तो हमारे टीममेट्स उधर कनेक्ट कर चुके हैं, तो वो मैसिव अमाउंट ऑफ डैमेज कर रहे हैं। हम इसको इग्नोर करेंगे और हम सीधा जाएंगे उनके हाइस्ट के ऊपर। और देखिए मैं अब आपको दिखाता हूँ, आपको देखिए ये ऐसा ऐसा डॉच कर करके डैमेज करना है उनके हाइस को। अगर आप, मैं जैसे पहला कर रहा था वैसे अगर आप करोगे तो पक्का आपका हारना, भगवान भी चाहते हैं आपको हराना, ये समझ लो। वो गाइस जीत चुके हैं ये मैच बहुत इजीली, हमें स्टार प्लेयर नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। बहुत बढ़िया, हम प्ले गेम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। एक और स्टार्ट हो गया है उनके पास है, एल प्रीमो, जैकी और जेसी। हमारे पास है पेनी, नीता और मैं फुटबुल। तो ये बुल को हमने डेड कर दिया, बुल डेड हो गया। और ये बस हम उनसे ज़्यादा डैमेज करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये भी है, ये नहीं करना है गाइस आपको, मैं क्यों कर रहा हूँ टेन सिंगल की बात। और ये जैकी को ये संभाल नहीं पाई है, तो अब मैं आ गया हूँ, तो मैं इस एल प्रीमो को भी संभालूंगा। और ये मैंने इसको फिल करने के लिए यूज किया था गाइस आपको, आप ये मत समझिए मेरा गलती से हो गया, नहीं मैं इंटेंशनल था मेरे को सुपर यूज करना। इस बार अब मैं नहीं करूँगा सुपर, रुकूंगा ज़रा। अब कर दिया है गाइस मैंने रश। ओ गाइस वो बहुत लो है, उनका सेफ बहुत लो है गाइस। ओ नीता ने खत्म कर दिया, बहुत बढ़िया गाइस। एक और मैं जल्दी से जीत चुके हैं, स्टार प्लेयर मिल गया, बहुत बढ़िया। और ये अब हम प्ले अगेन करते ही जाएंगे, प्ले अगेन करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। मैच फाउंड होने वाला है, के पास भी एक बुल है इस बार, लेकिन हमारे पास भी एक बढ़िया टैंक है जो कि है रोजा। हमारे पास जैसी भी है, उनके पास टिक ऑफ दिस वर्ल्ड, ब्रॉल स्टार्स वर्ल्ड।
वो डैमेज कर रहे हैं गाइस, क्या खतरनाक अमाउंट ऑफ डैमेज है उनका। देखो इस रीको को, ओ बच गए बच गए, पीछे पीछे रहो जरा पीछे रहो, ये टिक से पिटना नहीं है। अब इसको मारेंगे हम बुल को, ओ बुल को तो ऑलमोस्ट मैंने डेड कर ही दिया था। हमारा सेफ ऑलमोस्ट 62% तक डाउन हो चुका है गाइस। मैं स्टिक को इग्नोर करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत इरिटेट करेगा। ये रिको ने मुझे पहले ही डेड कर दिया, एम डेड फिर भी 82 तक लाया हमने। लेकिन ये नीचे बुल ने इतना डैमेज किया, 37% तक आ गया हमारा हेल्थ सेफ। ओ बचना होगा, रोजा ने ज़रा टैंक करना चाहिए। जी हाँ यही बोल रहा था मैं, और ये बस ये बुल को कनेक्ट ही नहीं करने दिया। बहुत बढ़िया, यही चांस है हमारा रश करने का उनके सेफ के ऊपर। बहुत बढ़िया। मैंने इस बार जानबूझ के सुसाइड किया क्योंकि हमको बहुत ज़रूरी है उनके सेफ के ऊपर डैमेज करना, तो अगर हम भी डेड हो गए तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया, हम उनको ज़्यादा डैमेज नहीं करने दे रहे, भले ये बात सच है कि वो कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन हम उनको कम डैमेज पे ही रोक ले रहे हैं। और ये बुल ने फिर से डेड कर दिया बिकॉज ऑफ द रीको, जेसी ने संभाल लिया लोग को, ये मैंने इसको किल कर दिया। अब हम जाएंगे गाइस एक और रश में, और ये फाइनल रश होना चाहिए गाइस, कर दे जेसी। नहीं होगा, हम हार गए गाइस ये मैच, उनका बुल कनेक्ट कर गया हमारे सेफ के ऊपर। बहुत बुरा हो गया, प्ले अगेन करेंगे फिर से। स्टार्ट हो गया गाइस एक और मैच, एएफके सिटी का मेंबर पार्ट 2 जो कि रिको हमारे एएफके सिटी का पार्ट 2 है, मतलब ये सेकंड पार्टनर है एएफके सिटी का। अब वेट करेंगे सेल्ट आ जाएगी तो हम रश कर देंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा डैमेज किया 82 तक। बारले नीचे डेड है, फिर भी वो 84 तक ला के छोड़ा बारले ने अकेले में, और इन लोग इधर क्या मक्खियाँ मार रहे थे नो आइडिया। जेसी ने अब अपना बाउंस यूज़ करना चाहिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपको सीखना है गाइस जेसी का बाउंस कैसे यूज़ करते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है पुशिंग जेसी 500 पार्ट 2, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए कि आपको कैसे कुछ बाउंस वगैरह करना चाहिए। और ये एक 78 हेल्थ पे टिका हुआ बार्ली हमारे सेफ को डैमेज कर रहे हैं। वाव, अब मैं ये बहुत बढ़िया डैमेज किया हमने, बहुत बढ़िया। उनकी रोज़ा कनेक्टेड है हमारे सेफ के ऊपर, कोई बात नहीं ज़्यादा नहीं कर पाएगी ये। और ये अपने गैजेट यूज़ कर ले, तो कितने करने हैं, कुछ फ़ायदा तो है नहीं तेरे गैजेट्स का वैसे भी। अब मेरा सुपर होना चाहिए था गाइस इस मोमेंट पे, बहुत बढ़िया मज़ा आता था। ये मैं इस साइड से निकलूँगा, इस साइड से रश कर दूँगा, और ये और डैमेज 27% तक ला चुका हूँ मैं उनका हाइस्ट। ये EMZ यानी कि एम्स ने बहुत बढ़िया डैमेज किया, गुड। ये जैसी भी अपना गैजेट वेस्ट किए जा रही है। ओ ये बार्ली को कनेक्ट नहीं करने देने, बार्ली को कनेक्ट नहीं करेगा, बार्ली ने कनेक्ट किया फिर भी। और ये रोज़ा ओ नो गाइस, उनका 27% पे, हमारा सिर्फ 20%। अब ये फाइनल पुश होगा गाइस हमारा, इसके बाद हमें चांस नहीं मिलने वाला है। उन्होंने और कम कर दी है हमारे सेफ की हेल्थ, रिको ने जाना चाहिए गाइस। रिको का सुपर बहुत काम आता था इस वक्त, मैंने सुपर करके यूज़ किया, ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं होगा गाइस, हार जाएगी मैच। काश रिको आगे जाके रिस्क लेता था गाइस, बहुत बढ़िया हो जाता था। -6 ट्रॉफीज 508, जैसी खेलेगी फिर से, कोई नहीं गाइस, हारे तो हारे, मेन बात है कंटेंट करना, वीडियोस बनाना, उसमें हार या जीत ये मायने नहीं रखती, ये याद रखिएगा इस बात। उनके पास भी बुल है, क्या तुम लोग मेरी वीडियोस रिलीज होने के पहले ही देख ले रहे हो,
इसीलिए बार बार बुल लेके आ रहे हो? मेरा दिमाग मत खाओ, इधर बुल नहीं लेके आने का, इधर जैकी लेके आने का। जैकी है? ओ नहीं, जैकी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। इधर ना तुम क्या लेके आओ, मिस्टर पी लेके आओ। हाँ मिस्टर पी बहुत बढ़िया है, उनको अभी कुछ भी टिप्स दे दो भाई। और ये बूम, माय फर्स्ट कनेक्ट, 2080 डैमेज। जैसी का टैरेट उधर कनेक्टेड है, लेकिन जैसी डेड हो चुकी है। ओहो क्या मैसिव अमाउंट ऑफ डैमेज है। अब तो मैं भी जाऊंगा और मैं भी बहुत डैमेज करूंगा। ये बस इधर तो डैमेज की बरसात ही कर देनी है बस। ये पेनी टैंक कर रही थी यार, नहीं तो बहुत डैमेज हो जाता था। तो बुल को कनेक्ट होने दिए, बार्ली को कनेक्ट होने दिए, अब ये पेनी भी कनेक्ट कर रही है। आई वॉन्ट ओनली एंड ओनली वन हिट एंड दिस विल बी। क्या बुल इधर कनेक्ट करेगा? जी नहीं। उधर जेसी ने अच्छे खासे अमाउंट में बहुत बढ़िया डैमेज किया है, और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस हाइस्ट को तबाह कर दूं। ओ ओनली एंड ओनली 2% पे बाकी है ये हाइस्ट। मैं ये गेम हारूंगा तो नहीं, जीत चुके हैं गाइस बहुत बढ़िया से एक और मैच। वेरी गुड गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.